नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। नर्मदा जिला पंचायत आरोग्य समिति के चेयरमैन ने गरुड़ेश्वर तहसील के प्राथमिक आरोग्य केंद्र का किया दौरा। समिति के चेयरमैन नीलंबरी वहन परमार ने आरोग्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ नर्मदा जिला पंचायत के लाइजन अधिकारी हिरेन भाई प्रजापति भी खास उपस्थित रहे। उपस्थित स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इंडिया खबर लाइव टीम ने आरोग्य समिति के चेयरमैन से की विशेष बातचीत। प्रस्तुत है कैमरामैन शंकर भाई तड़वी के साथ गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। जी हां, नर्मदा जिला पंचायत आरोग्य समिति के चेयरमैन श्रीमती नीलम परिवहन परमार ने गरुड़ेश्वर तहसील के अलग अलग प्राथमिक आरोग्य केंद्र का दौरा किया। समिति के चेयरमैन नीलम परिवहन परमार ने आरोग्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दरमियान उनके साथ नर्मदा जिला पंचायत के लाइजन अधिकारी हिरेन भाई प्रजापति भी उपस्थित रहे। मुलाकात दौरान प्राथमिक आरोग्य केंद्र की अलग अलग वार्ड की व्यवस्था देखी, स्टाफ को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर इंडिया खबर लाइव टीम ने आरोग्य समिति के चेयरमैन से की विशेष बातचीत। गुजरात राज्य में कोरोना का कहर मचा हुआ है। अभी देखा जाए तो नर्मदा जिले में भी दिन प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर नर्मदा जिला पंचायत के आरोग्य समिति के चेयरमैन नीलंबरी बहन परमार जिन्होंने आज कुछ पीएससी पर दौरा किया है। हमारे साथ यहां पर नर्मदा जिला पंचायत आरोग्य समिति के चेयरमैन नीलंबरी बहन परमार उपस्थित है। आइए हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आज का उसका जो प्रोग्राम है वो क्या है। दो दिन पहले हमने नर्मदा जिला के नांदोद तालुका में पीएससी जो सेंटर्स है उसकी विजिट की थी और आज हम गरुड़ेश्वर और तिलकवाड़ा तालुका की पीएससी विजिट पर है। हम अभी नवापुरा और जयपुर पीएससी जाके आए हैं और अभी जरिया पीएससी में विजिट कर रहे हैं। हमने देखा है हर जगह पे कि सरकार श्री के अनुरोध से सभी पीएससी में खूब अच्छी सुविधाएं हैं। जो भी अब महामारी चल रही है, कोविड-19 की सिचुएशन जो चल रही है, उससे लड़ने के लिए सभी पीएससी पर वैक्सीनेशन पेज उस सभी की बहुत अच्छी सुविधा है और गांव के लोग जो लोग हैं वो भी उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैडम, खास करके देखा जाए तो यहाँ पर जरिया पीएससी में काफी सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसका सॉल्यूशन अभी तक हुआ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो प्यून की व्यवस्था भी जो है, जो कायमी व्यवस्था जो होनी चाहिए वो भी नहीं है। और खास करके देखा जाए तो यहाँ जरिया पीएससी पर आयुष मेडिकल जो ऑफिसर है उनके द्वारा ये अस्पताल चलाया जा रहा है और एमबीबीएस जो रेगुलर जो डॉक्टर है उसको डेप्यूटेशन के लिए केवड़िया कॉलोनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे रखा गया है। तो इसी प्रश्न को लेकर आपका प्रयास किस तरह का रहेगा? जो भी प्रश्न जरिया पीएससी के है वो हम सब उच्च कक्षा तक पहुँचाएंगे और उसको जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। अभी जो आयुष मेडिकल के भरोसे ये पीएससी चल रहा है तो एमबीबीएस डॉक्टर जो एसओयू पर है, अभी लॉकडाउन है, एसओयू पर कोई विजिटर्स आ नहीं रहे हैं, तो हम उसकी रजूआत करेंगे और वहाँ से एमबीबीएस डॉक्टर को हम जल्द से जल्द यहाँ बुलाने की व्यवस्था करेंगे। मैडम, खास करके देखा जाए तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कवरेज, नेटवर्क कवरेज का। तो इसी नेटवर्क कवरेज के प्रश्न को लेकर आपका प्रयास किस तरह का रहेगा? नेटवर्क कवरेज के प्रश्न को लेकर हम यहाँ पे जल्द से जल्द उसकी रजूआत करेंगे ऊपर और जल्द से जल्द यहाँ नेटवर्क कवरेज आ जाए उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टरों को डेप्यूटेशन पर रखा जाता है उसी तरह जरिया पीएससी के फार्मासिस्ट को भी यहाँ से हफ्ते में दो बार डेप्यूटेशन के लिए अन्य जगह पर भी उसको भेजा जाता है और जिसको लेकर गांव लोगों को भी यहाँ पर काफी समस्या झेलनी पड़ती है। तो इसी फार्मासिस्ट के प्रश्न को लेकर आपका प्रयास किस तरह का रहेगा? ऐसा है कि जहाँ पे फार्मासिस्ट अभी नहीं अवेलेबल है वहीं पर डेप्यूटेशन पे फार्मासिस्ट को भेजा जा रहा है दो दो दिन की विजिट, जो भी उनकी विजिट होती है उसके लिए। पर जहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं है जिस पीएससी पे, उसकी हम पूरी जानकारी लेके उनकी जल्द से जल्द वहाँ पे हम फार्मासिस्ट की नियुक्ति हो जाए ऐसा हम प्रयास करेंगे। खास करके देखा जाए तो यहाँ पर ये जो जरिया जो पीएससी है वो आसपास के गांव का सेंटर माना जाता है और यहाँ पर खास करके देखा जाए तो डिलीवरी के प्रश्न भी ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पर डिलीवरी को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर आया बहन जो है जो डिलीवरी करवाती है उनकी भी यहाँ पर खासतौर से व्यवस्था अस्पताल में नहीं है।
आया बहन की रजूआत भी हम उच्च कक्षा पे करेंगे। यहाँ पे और रिलेटेड जो भी तालुका के जो भी पीएससी पर जो भी प्रश्न होंगे उसका हम जल्द से जल्द समाधान लाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आप भी एक टीचर हो और जिला पंचायत सीट में आप चुनाव जीतकर पहली बार आरोग्य समिति के चेयरमैन बने हुए हो, तो आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है उसमें आरोग्य समिति का पूरा पूरा सहयोग दे, टाइम से वैक्सीनेशन ले, हर सैनिटाइज करे, दवाई ले और जो भी सभी नियम है कोविड के रिलेटेड उनका पूरी तरह से पालन करे, आप भी करें और दूसरों को भी करवाए, जिसके चलते हम हमारे जिले को जल्द से जल्द कोरोना मुक्त कर सकेंगे। हम तो सभी प्रयास कर रहे हैं पर आपके बिना सब अधूरा है, तो समाज को और लोगों को मेरी यही अपील है कि आप भी हमारा सहयोग करें। तो ये थे हमारे नर्मदा जिला पंचायत आरोग्य समिति के चेयरमैन नीलांबरी बेन परमार, जिन्होंने हमको उनके दौरे दरमियान हमको माहितगार किया और उन्होंने उनसे जितना भी प्रयत्न जरिया पीएससी और अस्पताल का जो भी प्रश्न है और आरोग्य को लेकर जो भी प्रश्न है उसका सॉल्यूशन करने में उनसे जो भी मेहनत बन पड़ेगी वो मेहनत वो करेंगे।